नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस बीमारी को लेकर हर दिन नई नई खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कहा है कि कोरोना से अब शुगर की बीमारी भी हो सकती है। दरअसल इससे पहले कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस की बीमारी की शिकायत सामने आई थी। अब ICMR के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस से लोगों में शुगर की समस्या हो सकती है, यानी कि अगर आपको कोरोना संक्रमण से पहले शुगर की परेशानी नहीं थी तो ये उसके इलाज के दौरान हो सकती है। देश भर में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के पीछे एक वजह ये भी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी ही माना जाए। दरअसल कोरोना संक्रमित के इलाज में रेमडेसिविर जैसे स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं। ये स्टेरॉइड्स कोरोना का वायरल लोड तो कम कर देता है, लेकिन ये कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। WHO ने रेमडेसिविर कोरोना के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाली दवाओं पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि इसके फायदे कम और साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं। और यही कारण है कि इन दवाओं के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों में शुगर की परेशानी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।